बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। तमाम हम्द की तस्बीह है उस पाक जात के लिए जिसने हर शय को अदद में गिन रखा है, और दरूदो सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर जो हर शय के अदद को जानते हैं। आप देख रहे हैं फैज़ हुसैनी टीवी, मैं तालिब इल्म हरफ व अदद गुलफाम अली हुसैनी आपसे मुखातिब हूं। शदीद मुश्किल में आप सूराए सफात आयत नंबर 79 का वजीफा कर सकते हैं। शदीद बीमारी हो, ला इलाज अमराज हो, आप इस आयत को पढ़ सकते हैं। अगर कोई आपके घर में नहुसत है, बद असरात है, दुकान पर बद असरात है, कारोबार पे बद असरात है, तो आप इस आयत को जो कि सूरह सफात की 79 नंबर आयत है, इस आयत को अगर आप अबुल फजल अब्बास बाबुल हवाइज बाबुल मुराद हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम की अदद के मुताबिक पढ़ेंगे तो 18 दिन के अंदर अंदर आपकी हाजत पूरी होगी, बीमारी रफा दफा होगी, बद असरा से कामिल हिफाजत होगी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, सलामुन अला नूहन फिल आलमीन, ये आयत है। आपने इसकी तलावत करनी है, साथ बिस्मिल्लाह पढ़नी है, और इसका तर्जमा है हजरत नूह अलैहिस्सलाम पर सलाम हो आलमीन में। जब आप इसे 133 मरतबा पढ़ेंगे जो मौला अबुल फजल अब्बास का आदत है, तो आपकी हाजत जल्द पूरी होगी। अब जो फैज़ हुसैनी के स्टूडेंट हैं या इल्म रूहानियत से जिनकी दिलचस्पी है, वो ये कहेंगे कि ये आदत कहाँ से आया, तो याद रखे इस आयत का मलफूजी आदत 7 है, जो के 7 अदद मौला अब्बास का अदद है, और यही अदद 7 जो है ये 133 से ही बना है, 133 अदद से ही ये अदद बना है। आप 18 दिन नमाज फजर के बाद बीमार पर पढ़ सकते हैं, दुकान में घर में बैठ के पढ़ सकते हैं, पानी पे दम करके रख सकते हैं, और इसकी एक लो बनती है जो 4 शवान को बनती है। अगर आप बनवा के अपने पास रखेंगे तो आपके घर में जितने भी बद असरात हैं वो खत्म होंगे और आइंदा से बद असरात आएंगे नहीं इंशाल्लाह।